वजीरे आजम हाउस से, फिर वहां नहीं रुके। लोग कहते जा रहे हैं कि ये फैसला गलत है, फैसला। नवाज शरीफ के कोर्ट मोमिन में मीडिया के साथ गुफ्तगू, कहा फैसला लिखने वालों ने मुल्क को इंतशार का शिकार किया। ये नाइंसाफियां क्यों हो रही हैं? वोट को इज्जत ना देने वालों की इज्जत नहीं करेंगे। नौ सालों में कितनी यूनिवर्सिटीज बनी, कितना इन्होंने साफ पीने का पानी दिया, पुलिस का निजाम किया है सारी पाकिस्तान के सामने है, कितना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल किया, और कितना इन्होंने पैसा ये बड़े बड़े महंगे मेगा प्रोजेक्ट्स पे लगाए सिर्फ इस। शहबाज शरीफ ने 9 सालों में 9,008 रुपए खर्च किए, जवाब दे पैसा कहां गया। नून लीग शरीफ माफिया बन चुका है और अब ये माफिया नैब और सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़ा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इल्जामात की बौछार कर दी, बोले सबूतों की लाइनें लगी हैं। पंजाब असेंबली में नैब के खिलाफ करारदाद की मजम्मत। आवाम का कोई गर्ज नहीं है कि नवाज को क्यों निकाला। मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो पंजाब का कातिले आला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के एक तीर से दो शिकार, शहबाज शरीफ और इमरान खान को कराची से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज, कहा आवाम को क्यों निकाला से कोई गर्ज नहीं। मेमोगेट जाली करार, पैनामा केस से तवज्जो हटाने के लिए नवाज शरीफ पर मेमोगेट स्कैंडल जिंदा करने का इल्जाम। जेयूआईएफए के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब, बोले हमारे साथ वो तबका है जो पाकिस्तान के लिए गैरत और हिम्मत रखता है। सियासतदानों ब्यूरोक्रेसी को बताना चाहता हूं कि इस्लाम को खत्म करना मगरिब का एजेंडा है। असिस्टेंट डायरेक्टर हो, इनके घर में छापा मारो, पाकिस्तान की आधी दौलत वहां से मिल जाएगी। मुस्लिम लीग दून के रहनुमा निहाल हाशमी अडियाला जेल से रिहा, लीगी कारकुनों का पुरजोश इस्तकबाल, नैब करप्ट इदारा करार, आप जेल भेज सकते हैं, गोली मार सकते हैं, मैंने कब किसी को बुरा कहा, कब बाबा रहमते का नाम लिया, किसको क्या बनाया, ये फैसला कौम करेगी। निहाल हाशमी की रिहाई के बाद फिर गनगरज। बड़े शरीफ के लिए एक और मुश्किल, जॉन लिक्स कौमी सलामती का मसला बन गया, असल किरदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। रिटायर्ड फौजी अफसरान की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर, चीफ जस्टिस 2 मार्च को समाअत करेंगे। दरख्वास्त में नवाज शरीफ और चौधरी निसार को फरीक बनाया गया। चौधरी बिरादरान हाजिर हो, नैब ने शुजात हुसैन और परवेज लाई को दोबारा तलब कर लिया, 6 मार्च को रिकॉर्ड समय पेश होने का हुक्म, चौधरियों पर 2 अरब 42 करोड़ और 80 लाख रुपए करप्शन का इल्जाम है, मुनिस इलाही आज पेश हुए। बनीगाला तामीरात केस में अहम इंकशाफात, इमरान खान के घर का एनओसी जाली करार, यूनियन काउंसिल ने घर की तामीर के लिए कोई एनओसी जारी नहीं किया, साबिक सेक्रेटरी यूसी बाराको ने भांडा फोड़ दिया, 300 कनाल अराजी 2002 में जमायमा के नाम पर खरीदी गई, लेकिन वजारत दाखिला से कोई एनओसी नहीं लिया गया, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के सबूतों के बावजूद नैब की खामोशी समझ से बाहर है, नैब को तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए तैयार हैं, ख्वाजा आसिफ और उनकी अहलिया के बैंक अकाउंट्स के सबूत फराहम कर सकते हैं। कौम अदलिया के बाद एहतसाब इदारे की तरफ देख रही है, इमरान खान नैब पर बरस पड़े। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सूबाई हुकूमतों की तशहीरी मुहिम का नोटिस ले लिया, तीनों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और सेक्रेटरी इतलात से रिपोर्ट तलब, समात 12 मार्च को होगी, इश्तिहारी मुहिम कबलस इंतखाबात धांधली के जिम्मे में आती है, अगर हिम्मत है तो पार्टीज अपने फंड से तशहीर करें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
तुम चोर नहीं नहीं तुम डाकू। पंजाब असेंबली फिर अखाड़ा बन गई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की तू तू मैं एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली। शोर शराबे में नैब के खिलाफ मुजम्मती किरारदाद मंजूर हो गई। फॉर्मूला है कि इतना झूठ बोलो कि सच लगने लगे। राणा सनाउल्ला की कप्तान पर कड़ी तनकीद। कहा पीटीआई चेयरमैन ने कंटेनर पर इल्जाम तराशी की जो साबित नहीं हो सकी। अब शहबाज शरीफ और पंजाब हुकूमत के पीछे पड़े हैं। फैसल सुभान कप्तान का फर्जी किरदार है, इसका मुल्तान मेट्रो से कोई ताल्लुक नहीं। आबिद बॉक्सर के खिलाफ एक भी जाली पुलिस मुकाबला नहीं हुआ। आशियाना हाउसिंग स्कीम स्कैंडल में बड़ी हलचल। आमना से जायद असासे कैसे बनाए। अहाचीमा के खिलाफ मजीद खाते खोलने का फैसला। डीजी नैब लाहौर ने तहकीकात की मंजूरी दे दी। नई टीम भी तश्कील। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी। आपकी दरख्वास्त बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से थी। बल्दियाती इंतखाबात हो चुके, दरख्वास्त गैर मौसर है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बड़े के बाद छोटे मियां भी कबूल नहीं। पीटीआई ने शहबाज शरीफ की सदारत के खिलाफ हर मुहाज खोलने का ऐलान कर दिया। आशियाना हाउसिंग स्कीम, मेट्रो बस, सस्ती रोटी स्कीम और दानिश स्कूल्स में करप्शन के मुबैना सबूत सामने लाने का ऐलान। इसहाक डार के खिलाफ असासा जात रेफरेंस। आइंदा समात पर रेफरेंस की नकूल तकसीम करके फर्दे जुर्म आयद करने की तारीख मुकरर की जाएगी। समात 5 मार्च तक मुलतवी। भारत की थानेदारी कबूल नहीं। मुल्क का दिफा कैसे करना है पाक फौज खूब जानती है। अफगानिस्तान के साथ अमन मुज़ाकरात चाहते हैं। चीन के मामले पर अदालती अहकामात पर अमल करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल की हफ्तावार ब्रीफिंग। विल्टन पार्क फौज दहशत गर्दों के खिलाफ आपके इकदाम दुरुस्त हैं। अमरीकी कमांडर ने फिर भी डूमोर का मुतालिबा कर दिया। अफगान सदर को भी होश आ गया। पाकिस्तान को अमन के लिए फौरी मुजाकरात की दावत दे डाली। भारत को सांस सूख गया। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी। फोर्सेस का बलोचिस्तान का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकानों से खुदकुश जैकेट्स, सब मशीन गन्स, बारूदी सुरंगें, डेटोनेटर्स और बारूदी मवाद भी बरामद। बार फिर दहशत गर्दों के निशाने पर। DSP हमीदुल्ला दस्ते की गाड़ी पर फायरिंग। 2 अहलकार शहीद जबकि DSP महफूज। पुलिस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। मुझे जो है वो काफी ज्यादा इनसिक्योर फील होता है, डर लगता है बहुत ज्यादा बाहर जाते हुए भी, क्योंकि आई थिंक कि मेरी लाइफ को बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि आई वॉज देयर, आई एम दी ओनली आई विटनेस एंड आई डिड सी अ पर्सन दैट ऑल्सो आई मेंशन टू, मतलब मैं वो बात भी मैंने अपने बयान में बोली है कि मैंने इस इंसान को देखा। कच्चे से भी मैंने उनको रिकग्नाइज करके बताया है कि मैंने इस इंसान को देखा है वहाँ पर। इंतजार को मंसूबा बंदी के तहत कत्ल किया गया। इंतजार कत्ल केस की ऐनी गवाह मधिया क्यानी का पहला वीडियो बयान मंजर आम पर आ गया। मीडिया पर उसके नहीं आई के जान का खतरा था। मारूख से भी तफ्तीश करने का मुतालिबा। तहफ्फुज़ के लिए रेंजर से मदद मांग ली।
फिक्सिंग स्कैंडल मौतल क्रिकेटर शाहजेब हसन पर एक साल की पाबंदी और 10 लाख रुपए जुर्माना आयद। सजा याफ्ता क्रिकेटर पर खिलाड़ियों को उकसाने और बुकीज से राबितों को रिपोर्ट न करने का इल्जाम लगाया गया। ट्रंप इंतजामिया की तारकीन वतन के खिलाफ एक और कोशिश नाकाम। कैलिफोर्निया की अदालत में गैर कानूनी तौर पर अमरीका आने वाले बच्चे एक और अदालती पता से हमकिनार। हुकूमत एक तरफा तौर पर वर्क परमिट मंसूख नहीं कर सकती। डाका के तहत आने वालों की सहूलतें नहीं रोकी जा सकती। फेडरल कोर्ट का फैसला। शाम जंग बंदी के दौरान भी बमबारी। इंसानियत के दुश्मनों का इंसानों पर कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल। शामी बागियों और रूस के एक दूसरे पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। अमेरिका ने भी रूस को मुर्दे इल्जाम ठहराया। यूरोप जम गया, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। परवाजें मंसूख, ट्रेनें मुअत्तल, सड़कें बंद। पोलैंड में दर्जे हरारत मनफी 22 तक गिर गया। मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद हलाक। दफातर से घर जाने में मुश्किलात। साइबेरिया की यखबस्ता हवाओं ने सर्दी को मजीद बढ़ा दिया। More goals. More of this. दुनिया के तेज तरीन इंसान यूसैन बोल्ट की फुटबॉल टीम के कप्तान बन गए। इंग्लिश फुटबॉल स्टार रूबी विलियम्स की टीम से जून में जोड़ पड़ेगा। दुनिया का मकबूल तरीन खेल फुटबॉल अब फलाही कामों के लिए इस्तेमाल होगा। तेज तरीन इंसान यूसैन बोल्ट डांसिंग में भी माहिर निकले। बच्चे के साथ डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ड्राइवर की कमाल महारत, गाड़ी को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। ड्राइवर भी महफूज, गाड़ी का अगला हिस्सा करतब करता रहा। इंसानों को नहीं जानवरों को भी डांस का शौक होता है। देखिए कुत्ता कैसे डांस कर रहा है। कभी कभार टीवी लाइव शो के दौरान कुछ इस किस्म की दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो जाती है जो सारी जिंदगी के लिए यादगार बन जाती है। लाइव नशरियात के दौरान शरारती परिंदा खातून न्यूज एंकर के सर पर आ बैठा। प्रिंसेस। वाओ। यू हेट हिम। यू आर थिंकिंग अबाउट जस्ट किलिंग हिम? आई थिंक वी शुड डू इट। रियली? रियली। फन। और थ्रिल से भरपूर फिल्मों के मुद्दाओं के लिए खुशखबरी। हॉलीवुड ड्रामा फिल्म थोरो ब्रेड्स का नया सनसनीखेज ट्रेलर भी जारी कर दिया गया।